बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। धन्यवाद। तो आपने देखा अमित शाह ने तो भी आपने सुना अमित शाह को। अमित शाह 24 परगना में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। इस बार बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि दीदी का सफाया इस बार तय है। 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह और यहां पहुंचकर उन्होंने काकद्वीप में ये रोड शो किया और ये देखिए उनका ये काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर मीडिया से कुछ देर के लिए मुखातिब हुए जिसमें उन्होंने अपनी एक बार जीत की हुंकार फिर से भरी और ये देखिए तस्वीरों में अच्छी खासी संख्या में वहां पर भीड़ है जो अमित शाह के इस रोड शो में शामिल होने के लिए आई है। साथ साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी अमित शाह के साथ साथ हैं। आज परिवर्तन यात्रा 5वीं परिवर्तन यात्रा को अमित शाह ने झंडी दिखाई है। ये परिवर्तन यात्रा सभी 294 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और अमित शाह ने आज पहले ही कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम घर घर तक लोगों तक पहुंचेंगे और उसी रणनीति के तहत ये देखिए आज काकद्वीप में शमशान काली मंदिर से लेकर SBI मोड़ तक ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है एक रोड शो के जरिए। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी हमने सुना अमित शाह ने कहा कि 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली। इस रोड शो में पहले बताइए कि कितनी संख्या में वहां पर लोग जुटे हैं। बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने एक्सक्लूसिव जी हिंदुस्तान के ID पर बोला है और मैं आपको बता दूं यहां पर संख्या लाखों की है। पूरा 10 किलोमीटर का रोड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। मेरे पीछे देखिए यही रथ है। अभी क्योंकि अमित शाह को निकलना था इसलिए वो निकल गए हैं लेकिन यही रथ यहाँ पर रुकी हुई है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो अभी भी जोश में हैं। देखिए ये हमारे पीछे हैं। आज अमित शाह का रोड शो हुआ, कैसा लगा आप लोगों को? कितना समर्थकों में जोश है और ममता के सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है। ये जो भाई हैं ये ममता सरकार के खिलाफ ज्यादा नाराज हैं इसलिए लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूं तमाम तैयारियां जो है। इधर आ जाइए, ये देखिए ये यहां पर अमित शाह यहां से अब ये जो रथ है ये अब खाली हो चुका है और अमित शाह यहां से जा चुके हैं। आपको और आगे लेके चलता हूं। ये रथ अब बिल्कुल खाली है और ऊपर आपको दिखाता हूं ये रथ है। यहाँ से अब अमित शाह जा चुके हैं और आपको यहाँ पर जो जोश दिखाई दे रहा है प्रत्युष वो देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि रोड शो में कितना जबरदस्त सैलाब उमड़ा पड़ा है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मैं गंगा सागर से आया हूँ और मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आदमियों का सागर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा रोड इस वक्त। अभिषेक जरा ये बताइए कि ये रोड शो अभी चल रहा है या फिर ये रोड शो खत्म हो चुका है? आपने कहा 10 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो है। देखिए ये जोश देखिए, लोगों के नाच देखिए किस तरीके से ये नाच रहे हैं और अमित शाह के रोड शो में यही जो युवा हैं ये शामिल थे। लगातार यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ममता सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर नारे लग रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। लगातार हम रोड शो कवर कर रहे थे अमित शाह का और अमित शाह के ऊपर जो फूलों की वर्षा हो रही थी वो देखकर ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ पर काफी पसंद करने लगे हैं। जी 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 प्रत्युष। अभिषेक ये रोड शो खत्म हो गया या रोड शो अभी भी चल रहा है? क्योंकि आपने बताया कि रथ खाली हो चुका है, अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल, अब रोड शो खत्म हो चुका है। ये शमशान काली से SBI तक आना था, हम इस बार अभी SBI पे पहुंचे हैं। यहाँ से अब वो काकवाड़ी हेलीपैड पहुंच गए। काकवाड़ी हेलीपैड से अब वो निकल गए कलकत्ता की तरफ क्योंकि उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, बैक टू बैक उनका कार्यक्रम है। तो अब ये जो रोड शो वो खत्म हो चुका है और तमाम जो इनके साथ कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष
और ये जितने भी नेता थे सब निकल गए अमित शाह के साथ। जी आप कार्यकर्ताओं की भीड़ तो आप देख ही रहे जी। जी अभिषेक देखिए, अमित शाह ने आज कहा था कि ये जय श्री राम का नारा हर दिन हर किसी के मुंह से गूंजना चाहिए। देखिए आपने जब सवाल पूछा तो वहां पर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ना पूरा बंगाल इस वक्त जय श्री राम के नारों से ही पटा हुआ है। तमाम जो यहाँ कार्यकर्ता हैं वो जो रथ के साथ साथ चल रहे थे, लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो रथ के साथ चल रहे थे और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात करना भी मुश्किल हो पा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो यहाँ पर कर्मचारी डिप्लॉयड किए गए थे वो भी बड़ी मुश्किल से, ये जो समर्थक है उनको गाड़ी से दूर कर पा रहे थे क्योंकि गाड़ी चल रही थी लगातार और खतरा था कि कोई इस चक्के के नीचे ना आ जाए या किसी का पैर ना आ जाए। लेकिन जो 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 जोश है वो अभी भी दिखाई दे रहा है और जय श्री राम के लगातार नारे लग रहे हैं। अभिषेक चूंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरा बताइए इस रोड शो को देख करके क्या लग रहा है? बीजेपी जो कह रही है कि इस बार परिवर्तन की लहर है, अमित शाह ने कहा 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम, वो सारी चीजें यहां पर आपको नजर आ रही है इस रोड शो में? आपने कहा काफी संख्या में इस बार रोड शो में लोगों ने शिरकत की। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी मैं बता दूं ये पांचवा और आखिरी परिवर्तन रथ था जिसको अमित शाह ने आगे बढ़ाया है और मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से अमित शाह और जो तमाम लोग कह रहे हैं कि 200 पार वो तो अब दिखाई दे रहा है क्योंकि जो हुजूम है वो बहुत ज्यादा है और तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता के अलावा समर्थक भी हैं बंगाल में। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये लोकल लोग हैं। सड़क से लेकर मतलब आप अगर चारों तरफ पैन करके देख ले कैमरा को तो छतों पर भी जो संख्या है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग सड़कों छत पर से भी फूल बरसा रहे थे अमित शाह के रथ पर और अमित शाह उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और यहाँ पर अभी भी ये पूरी की पूरी सड़क जो 10 किलोमीटर की है इस पर आप देखिए तस्वीरों में कैसे हुजूम लगा पड़ा है, मतलब मैं कह दूं कि लाखों की संख्या में अगर लोग हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। और अमित शाह को क्योंकि जल्दी थी, उनका कार्यक्रम बैक टू बैक था इसलिए उनको निकलना पड़ा और तमाम जो यहाँ कार्यकर्ता है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये चलिए अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो भी जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त अमित शाह